नमस्कार जी, अब मैं बताने जा रही हूँ वैष्णो देवी की गुफा से जुड़ी 6 अनोखी बातें जो कम ही लोग जानते होंगे। भारत का विश्व प्रसिद्ध और सबसे पवित्र तीर्थस्थल वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर राज्य की त्रिकुटा पहाड़ियों पर बसा है। माता वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर एक पहाड़ी में एक गुफा के अंदर है। हर साल लाखों भक्त यहाँ की यात्रा करते हैं। जितना महत्व वैष्णो देवी का है उतना ही महत्व यहाँ की गुफा का भी है। देवी के मंदिर तक पहुँचने के लिए एक प्राचीन गुफा का प्रयोग किया जाता था। यह गुफा बहुत ही चमत्कारी और रहस्यों से भरी हुई है। जानिए वैष्णो देवी गुफा से जुड़े ऐसे ही 10 अनोखे रहस्य। पहला, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए वर्तमान में जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वह गुफा में प्रवेश का प्राकृतिक रास्ता नहीं है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्रीय रास्ते का निर्माण 1977 में किया गया। वर्तमान में इसी रास्ते से श्रद्धालु माता के दरबार में पहुँचते हैं। दूसरा, किस्मत वाले भक्तों को प्राचीन गुफा से आज भी माता के भवन में प्रवेश का सौभाग्य मिल जाता है। यहाँ पर नियम है कि जब कभी भी 10,000 के कम श्रद्धालु होते हैं तब प्राचीन गुफा का द्वार खोल दिया जाता है। तीसरा, माता वैष्णो देवी के दरबार में प्राचीन गुफा का काफ़ी महत्व है। मानता है कि इस प्राचीन गुफा के अंदर भैरव का शरीर मौजूद है। माता ने यहीं पर भैरव को अपने त्रिशूल से मारा था और उसका सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहाँ रह गया। चौथा, प्राचीन गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें पवित्र गंगा जल प्रवाहित होता रहता है। इस जल से पवित्र होकर माता के दरबार में पहुँचने का विशेष महत्व माना जाता है। पांचवा, वैष्णो देवी मंदिर तक पहुँचने वाली घाटी में कई पड़ाव भी हैं जिनमें एक से एक हैं आदि कुमारी या आग कुमारी। यहीं एक और गुफा भी है जिसे गर्भजून के नाम से जाना जाता है। गर्भजून गुफा को लेकर मानता है कि माता यहाँ 9 महीने तक उसी प्रकार रही थी जैसे एक शिशु माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है। छठा, गर्भजून गुफा को लेकर माना जाता है कि इस गुफा में जाने से मनुष्य को फिर गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। अगर मनुष्य गर्भ में जाता है तो गर्भ में उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ता है और उसका जन्म सुख एवं वैभव से भरा होता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।